वसीम साहब कहते हैं कि तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है, बड़े सौदे नजर में होके छोटा होना पड़ता है, मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती, किसी को खोना पड़ता है तो किसी का होना पड़ता है। आइए अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए सर्वांगसम त्रिभुज जो है, सर्वांगसम के लिए जो हम लोग साइन यूज करते हैं वो इस तरह से होता है, ठीक है। ये साइन किसके लिए है? कंग्रुएंसी के लिए साइन है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ ट्रायंगल के कंग्रुएंसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे दो हम ट्रायंगल बनाते हैं, इस ट्रायंगल का हम नाम लिखते हैं ए बी सी, और एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं और इस ट्रायंगल का हम नाम लिख देते हैं, कुछ भी नाम लिख दीजिए, डी ई और एफ लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जानते हैं हम थोड़ा सा कि क्रॉस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है और क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। तो इस ट्रायंगल के लिए देखिए, इसका क्रॉस्पॉन्डिंग साइड ये वाला होगा, ठीक है, इसका क्रॉस्पॉन्डिंग साइड ये वाला होगा और इसका क्रॉस्पॉन्डिंग साइड ये वाला होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे एक मार्क मारे हैं, यहाँ पे एक मार्क मारे हैं, यहाँ पे दो मार्क है, यहाँ पे दो मार्क है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मार्क वाला एक मार्क का क्या है, क्रॉस्पॉन्डिंग है, सेकंड मार्क्स वाला सेकंड का है क्रॉस्पॉन्डिंग, और जिस पे तीन को मार्किंग किया हुआ है वो तीन को वाला का क्या है, क्रॉस्पॉन्डिंग साइड्स है। उसी तरह से एंगल की बात करेंगे तो एंगल में क्या हो जाएगा, देखिए ये एंगल जो होगा इस एंगल के क्या होगा, क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल होगा, यानी कि संगत कोण होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल है ना, इसको क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल माने ए का क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, डी होगा, और हिंदी मीडियम वाले का ए का क्या है, संगत कोण है, ठीक है। उसी तरह से बी बी का क्या है, बी यहाँ है तो बी का संगत कोण क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, मतलब बी का संगत कोण क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इसका क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, तीन लगा देते हैं, यहाँ पर तीन लगा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो ए का क्रॉस्पॉन्डिंग डी, बी का क्रॉस्पॉन्डिंग ई और सी का क्रॉस्पॉन्डिंग एफ, ठीक है। आगे जो फिगर आएगा उसमें सिलेक्ट करना होगा कौन फिगर कंग्रुएंट है नहीं है, तो उस केस में हम लोगों को ये संगत कोण वाला कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, चाहे संगत भुजा वाला कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल, जब कोई भी दो फिगर दो ट्रेंगल जब कोई भी दो ट्रेंगल क्या होगा, कंग्रुएंट होगा, सर्वांशम होगा, तो उसका क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्रॉस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे ये कहेंगे कि एंगल ए बराबर एंगल क्या होगा, डी होगा, साथ ही साथ एंगल बी बराबर एंगल क्या होगा, ई होगा, और एंगल एफ एंगल सी बराबर क्या होगा, एंगल एफ होगा। ये तो हो गया कोण के बारे में कि ट्रायंगल सिमिलर है, सॉरी ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो उसके क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, साथ ही साथ क्रॉस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा आपका डी और फिर बी सी बराबर हो जाएगा ई एफ और ए सी बराबर हो जाएगा डी एफ, ठीक है। ये क्या हो गया, कंग्रुएंट ट्रायंगल जब है तो उसके संगत मतलब क्रॉस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हुए और क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हुआ, और ये कंग्रुएंसी का क्या है, साइन है। आप बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कंग्रुएंट है, तो इसके लिए ऐसे साइन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि कंग्रुएंसी के लिए क्या क्या कंडीशन है, किस किस कंडीशन में ट्रायंगल कंग्रुएंट हो सकता है। तो पहला कंग्रुएंसी है, पहला कंडीशन है कंग्रुएंट होने का कि साइड एंगल साइड, ठीक है। ये कंग्रुएंसी आपको ये कहता है कि किसी ट्रायंगल के अंदर, जैसे क्या है, ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, मान के चलिए एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, और क्या है, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम मान के चलिए क्या है, पी क्यू आर, इसका क्या है, ए बी और ये क्या है, सी है, ए बी सी है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला साइड इस साइड के सिमिलर, इसका अगर पी क्यू आर जो है और बी सी क्या है, इसका क्या है, क्रॉस्पॉन्डिंग साइड है, और पी आर जो है
क्या है, एसी का करस्पॉन्डिंग साइड है, और साथ ही साथ इसके बीच वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल के क्या है, इक्वल है। मतलब किसी दो त्रिभुज के अंदर, ट्रायंगल के अंदर, अगर आपका क्यू आर जो है ये बराबर है किसके, क्यू आर बराबर है बीसी के, और पी आर जो है आपका बराबर है किसके, एसी के, और साथ ही साथ जो दो लाइन बराबर है, करस्पॉन्डिंग लाइन, इसके बीच वाला एंगल यानी कि एंगल आर बराबर क्या है, एंगल सी है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है, साइड एंगल साइड के कंडीशन से क्या है, ये कंग्रुएंट है। समझ में आ गया कि साइड एंगल साइड कंग्रुएंट से क्या कहता है, कि किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी एक ट्रायंगल का दो साइड, दो भुजा किसी दूसरे ट्रायंगल के संगत दो भुजा के बराबर हो, तथा दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है वो दोनों त्रिभुज में क्या हो, बराबर हो, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी से। ठीक है, अब अगला कंग्रुएंसी का जो कंडीशन है, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं दो नंबर, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम घेर दे रहे हैं जगह की कमी कारण। दूसरा आपका हो जाएगा एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी। ठीक है, एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी क्या होता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक हमने ट्रायंगल ले लिया, क्लियर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, ठीक है, इसका नाम ले लीजिए पी क्यू आर, और दूसरा एक ट्रायंगल ले लीजिए यहां पर जिसका नाम आप दे सकते हैं एम एन ओ। ठीक है, तो इसमें क्या करा है, एंगल साइड एंगल, मतलब देखिए इसमें दो गो एंगल बराबर होगा, ये वाला इसके होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, और दोनों जो एंगल बराबर होगा ना, इसको जो साइड कंटेन करेगा वही वाला साइड इसमें क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ये साइड इसके बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया कि एंगल क्यू बराबर एंगल एन, और एंगल आर बराबर एंगल ओ, एंड आपका क्या हो जाएगा क्यू आर, साइड क्यू आर बराबर क्या हो गया एन ओ। तब आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्या कहिएगा, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर ये क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल एम एन ओ के। ठीक है, ट्रायंगल एम एन ओ के क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया किस कंग्रुएंसी से, एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे अब आता है तीसरा नंबर कंडीशन, पहला दूसरा तो हो गया, तीसरा कंडीशन आपका आता है साइड साइड कंग्रुएंसी। क्या आता है, एस 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 कंग्रुएंसी, ट्रिपल एस कंग्रुएंसी। ट्रिपल एस ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो ट्रायंगल इसमें भी लेंगे, कंग्रुएंसी बात हो रही, तो ए बी सी डी ई, मान लीजिए यहाँ पे क्या ले लिए एफ, तो कह रहा है कि किसी फर्स्ट ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड सेकंड ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो तो भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। जैसे ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा एफ डी, और बी सी बराबर हो जाएगा डी ई, और ए सी बराबर हो जाएगा एफ ई। अगर किसी भी दो त्रिभुज में इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, दोनों त्रिभुज का इक्वल हो, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा बाय द कंडीशन ऑफ साइड साइड कंग्रुएंसी। आप यहां लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एफ डी ई से। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां नाम लिखते समय ऑर्डर का बहुत बड़ा ध्यान रखना है। देखिए इसको हम अभी इरेज करते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह का कमी है। ठीक है, कि अगर क्रॉसपॉन्डिंग की बात हो रही है तो क्या होगा, जैसे देखिए क्रॉसपॉन्डिंग साइड चाहे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसी चीज का बात हो, तो देखिए जैसे यहाँ पे एफ फर्स्ट में है ना, तो यहाँ पे इसका एफ क्या हो जाएगा, एफ जो हो जाएगा एफ का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एंगल की बात करेंगे तो ये वाला इसका हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर बी की बात करें तो बी सेकंड पे है, तो इसका सेकंड में क्या है, डी है, यानी बी का करस्पॉन्डिंग
एंगल क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर सी की हम बात करेंगे तो सी का कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे नाम बदल गया तो देखिएगा बदल जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं हम क्या कि ट्रेंगल ए बी सी, हम इसको ऐसे लिख दिए, कंग्रुएंट हो गया किसके, ट्रेंगल डी ई एफ के। तो इस केस में देखिए अब यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट डी हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर जो था ए बी सी था और एफ डी ई था, एफ डी ई था, तो ए का कंग्रुएंट एफ हो गया था, बी का डी हो गया था। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर बदल गया, नाम का ऑर्डर, स्पेलिंग का ऑर्डर बदल गया, तो यहाँ पे कंग्रुएंसी भी सॉरी ये थे क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर भी बदल गया। जैसे ए का क्या हो गया, डी हो गया, और बी का क्या हो गया, ई हो गया, और सी का क्या हो गया, एफ हो गया। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये क्या था, कंग्रुएंसी था। इसमें एक और है आरएचएस कंग्रुएंसी, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से थ्योरी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। ये अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल का जो थ्योरी जो है ना, थ्योरी पार्ट कर रहे हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में। कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो भी हम बताएंगे। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब चौथा कंग्रुएंसी क्या आता है, आर एच एस कंग्रुएंसी, ठीक है। इसमें क्या होगा, दो राइट एंगल होगा, क्या होगा, दो राइट एंगल होगा, दो राइट एंगल होगा। इसका भी नाम है ए बी सी डी एफ, ये राइट एंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल में समकोण त्रिभुज में कहता है कंग्रुएंसी के लिए कि अगर किसी एक त्रिभुज का एक भुजा और उसका कर्ण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा और उसके संगत कर्ण के बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा आर एच एस कंग्रुएंसी से, है ना। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री दोनों में, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री तो होगा ही। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया, सॉरी कंग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। तो ये क्या था, कंग्रुएंसी था। अब हम आते हैं इसमें कुछ और थोड़ी सी बात लेकर कि कोई भी ट्रायंगल, देखिए इसको मिटा दें, अच्छा यहाँ जरूर लिखकर देखिए, ये क्या है, ट्रायंगल है, इसको मिटा देते हैं तो ज्यादा अच्छा से आप समझिएगा। ये क्या है, आरएचएस कंग्रुएंसी का, चार को कंडीशन होता है कंग्रुएंसी का। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या आते हैं, ये क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। तो किसी ट्रायंगल के अगर हर एक साइड के मिडिल पॉइंट को, मध्य बिंदु को मिलाया जाए, मध्य बिंदु को मिलाया जाए, इसको इसको और इसको, ये यहां मिला दिए, ये यहां मिला दिए, और ये यहां मिला दिए, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर उसके तीनों साइड के मध्य बिंदु को मिलाने पे जो ट्रायंगल बनता है, तो ये ट्रायंगल जो होगा, चार ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है ना, चारों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। मतलब किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर वो त्रिभुज जो है चार इक्वल कंग्रुएंट ट्रायंगल में बट जाता है, चार सर्वांगसम त्रिभुज में बट जाता है। और चारों सर्वांगसम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इक्वल होता है, ए बी सी है, डी ई और क्या है, एफ है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई ले लीजिए ए एफ ई, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी डी, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ सी हो गया, ये वाला डी एफ ई, डी एफ, ठीक है। एक दो तीन चार हो गया ना, चारों एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हर एक ट्रायंगल का जो एरिया होगा,
हर एक ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया आप मान लीजिए ट्रायंगल एफ डी ई, ये क्या होगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब जो बड़का वाला त्रिभुज है ना, इसका एक चौथाई एरिया होगा इस हर एक ट्रायंगल का अलग अलग। ठीक है, ये कंग्रुएंसी का प्रॉपर्टी था। अब हम चलते हैं सिमिलरिटी के तरफ, कि सिमिलरिटी क्या होता है।